तो फाइनली गाइस आज हम मनी मिराज जी के इवेंट के लिए ऑटो पकड़ के पटना के लिए निकल चुके हैं, जो कि अभी हम ऑटो में बैठे हुए हैं और आगे जा। तो फ्रेंड्स, ऑटो से उतर के हमने बस पे बैठा। बस तो वाकई बहुत अच्छा था क्योंकि एसी वाला बस था, और हम और मेरे फ्रेंड दोनों साथ में थे। मेरा दोस्त फ़ोन देखने में बिजी था और हम ब्लॉग शूट कर रहे। गाइस बस में बैठे बैठे हम दोनों बोर हो रहे थे, इसलिए मेरा दोस्त वीडियो एडिट कर रहा था और हम बैठे हुए थे। और पता नहीं क्यों मन अजीब सा हो रहा था, क्योंकि पटना जाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, हमारे घर से पटना दूर है और बस में ट्रैवल। सो गाइस, बस में बैठे बैठे एक भुजा वाले भैया हैं, तो भुजा देखे, भुजा तो वो खैर अच्छा ही बना रहे थे, लेकिन देख के मन नहीं किया कि खा लेते हैं। फिर सोचे कि क्या करे, तो फिर सामने आ गए भैया भुजा लेकर। भुजा देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा था, मुंह में पाने पर क्या करे गाइस, मम्मी मना की थी कि बाहर का सामान कुछ नहीं खाना है, जा रहे हो आराम से जाओ और अच्छे से आ। तो गाइस जाते जाते देख रहे हैं बगल में जो अंकल बैठे हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा मियाँ खलीफा की मूवी देख रहे हैं, तो वो बोले कि बाबू तुम। सो गाइस रास्ते में बैठे बैठे ये देखिए हाजीपुर जेल आ गई, जो कि देखने में कितना बड़ा है आप लोग देख सकते हैं, ये हाजीपुर का जेल है। और हाँ गाइस, अब हम लोग हाजीपुर पहुँच चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो वो देखिए ट्रेन जा रही है, जो कि काफ़ी मस्त लोकेशन है, लेकिन मेरा फ़ोन की क्वालिटी लॉस है इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। तो गाइस देखते हैं, देखते हाजीपुर में केला वाले भैया आ गए, तो बोल रहे हैं कि केला ले लीजिए, केला ले लीजिए। हम बोले केला कौन खाएगा दोपहर में। गाइस आप तो जानते होंगे रामाशीष चौक हाजीपुर में, और हाँ आप लोग अगर रामाशीष चौक आए हैं तो कमेंट कीजिए। केला वाले भैया केला लेके जा रहे हैं, केला काफ़ी पीला है, देखने में लग रहा है कि केला बहुत मीठा होगा, लेकिन गाइस मन नहीं माना कि खरीद के खा लो, क्योंकि पैसा खर्चा करना कौन चाहता है। वैसे ही पार करते करते आ गए चना, क्या इसको बोलते हैं, इसका नाम गाइस हम भूल रहे हैं, अगर आपको पता है तो इसका नाम कमेंट कीजिए। बोले कि बहुत चटपटा और मीठा लगता है। अच्छा गाइस हाँ याद आ गया, इसका नाम चना चूर है, जो कि हमें बकवास लगती है खाने में, और कुछ नहीं गाइस। तो फ्रेंड्स थोड़ी ही देर में पटना की पुल आने वाली है, जो कि हाजीपुर पार करके हम लोग पटना में एंट्री करने वाले हैं। तो ये देखिए गाइस, यही है पटना का पुल, इसके नीचे है गंगा मैया, जो कि गंगा जी में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। तो क्या बोलते हैं गाइस, पटना का पुल बहुत अच्छा है ना, अगर आपको पटना का पुल अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और हाँ गाइस, हम ये भी कहना चाहते हैं, पटना का पुल देखकर हमें एक सॉन्ग याद आ गया, अकर बना दानी जदि भूल से राजा, तो कूद जाए पटना के पुल से राजा। तो गाइस पटना के पुल से आपको दिख ही रहा होगा हमारे गंगा मैया, कितनी प्यारी लग रही है। और हाँ हरा भरा है पूरा, बस बहुत स्पीड चल रहा है, इतना स्पीड चल रहा है कि मत पूछिए। बस का स्पीड देखकर मुझे एक सॉन्ग गाने का मन कर रहा है, हम गाकर बताएं। गाड़ी जान चलई है रे मजनुआ, सह के काट हमें, गाड़ी जान चलई है रे मजनुआ, सह के काट हमें, पटना के पानी जवानी पे झलके। तो गाइस अब थोड़े ही देर में हम लोग उतरने वाले हैं, जो कि हम उतर चुके हैं पटना जंक्शन पे। तो अब हम और मेरे फ्रेंड दोनों आदमी पटना जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते बढ़ते रास्ते में ई रिक्शा आया, उसने रुका लेकिन हम लोग नहीं बैठे। अब पटना जंक्शन के सामने आ चुके हैं, मेरा फ्रेंड बहुत डरपोक है, वो बोला कि वीडियो बनाना बंद करो, लेकिन हम कहाँ मानने जा रहे हैं भाई, हम ब्लॉग छोड़ दे ऐसा हो सकता है, नहीं। तो गाइस देखते ही देखते देखिए पीछे कैसे मुंह बना के आ रहा है मेरा दोस्त। ये देखिए गाइस, ये पटना का हनुमान मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, इससे पता है महावीर कैंसर स्थान, यहीं से ये पैसा डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे, तो वहीं चलता है, बहुत बढ़िया मंदिर है, जो कि हमारे प्रिय भगवान श्री हनुमान जी। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये ऑटो का ड्राइवर कैसे ताक रहे कि ये भाई वीडियो बना रहा है, हाँ जाम लगा हुआ है इसमें हम वीडियो बना रहे हैं, सब लोग देख के कह रहे होंगे मुझे। देखते ही देखते पटना जंक्शन से कुछ दूर पैदल चलने के बाद ये आ गया बुद्ध स्मृति पार्क, जो कि बहुत ही भयावह और बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक चीज़ है। तो हम यहाँ जा रहे थे,
तो आगे जाते जाते वो टिकट घर है, जो कि हम टिकट घर के पास गए। टिकट इतना महंगा था कि मुझसे लिया नहीं। इवेंट में जाने के लिए अभी टाइम अभी था, तो अभी हम और कुछ क्रिएटर्स लोग, हम सब लोग एक साथ मिलकर लिफ्ट में आ गए। लिफ्ट में आकर सोचे कि ब्लॉग बना लेते हैं, तो हम बनाए और क्रिएटर लोग भी ब्लॉग बना रहे थे, तो साथ में हम लोग ब्लॉग बनाए और कुछ कुछ बातें किए। अब हम लोग डायरेक्ट एंट्री करेंगे। ये देखिए गाइस, अब हम लोग का फिफ्थ फ्लोर आने वाला है, जो कि गाइस देखिए हम लोग फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। यही एलिना होटल है, इसमें हम लोग आए थे इवेंट में और आए हैं अभी इवेंट में। और वहाँ बोट स्मृति पार्क वहाँ दिख रहा है ना, वहाँ से थोड़ा आगे होटल से। ये देखिए आज 15 अगस्त के दिन गए थे यहाँ पे, और देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन है। यहाँ देखिए, यहाँ मणि मिराज जी है, जो कि कुछ बोल रहे हैं, हम ब्लॉग बनाने पे ध्यान दे रहे थे गाइस। उसके बाद देखिए यहाँ पे बातें हो रही है, चीते हो रही है। यहाँ पे देखिए कितने क्रिएटर लोग का भीड़ है, बहुत ही अच्छा और प्यारा लोकेशन है एलिना होटल। वाकई बहुत ही अच्छा है, हम अंदर से गए तो बाहर से उतना मस्त नहीं था, लेकिन अंदर से वाओ, स्विमिंग पूल, बहुत सारा चीज़ था जो कि हम आपको नहीं दिखा पाए, सॉरी। इवेंट में हमको इतना गुस्सा आया कि मत पूछिए। वहाँ पे आग लग गई, लाइट गिरकर आग लग गया। बस मणि मिराज जी और वनु द गेट वहाँ से बाउंसर लेके भाग गए, और हम लोग रील भी शूट नहीं कर पाए। यहाँ पे क्रिएटर लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, लेकिन क्या करें गाइस, अलग आकर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे देख सकते गाइस सबका। देखिए गाइस, हम लोग हाईवे पे अकेले, हम और मेरा फ्रेंड अकेले हैं, साथ में दोनों आदमी मस्ती कर रहे हैं।